नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सोयाबीन की बड़ी की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। बड़ी है, एक कटोरी ली थी और इसको हमने पानी में डाल दिया है। 20 मिनट हो गए हैं पानी में इसको डाली हुई। दो आलू, प्याज, टमाटर, चार टमाटर और ये लहसुन और अदरक, लाल मिर्ची पाउडर। ये लाल मिर्ची पाउडर बहुत तेज है, तीखा है, तो इसलिए हमने हरी मिर्ची नहीं रखी है, लाल मिर्ची पाउडर इतना ही अच्छा है। और ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा और ये हल्दी। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। ये देखिए, इस तरीके से इसका पूरा पानी निचोड़ देंगे। ये पूरा पानी निकल गया है। इस तरीके से आलू को कट कर लेंगे। ये हमारे आलू भी कट चुके हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस को जला देंगे तेज फ्लेम में। और अब इसमें डाल देंगे तेल और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हीट आने लगी है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें तलेंगे बड़ी, ये जो हमने बड़ी रखी है निकाल कर, फिर इसको तल लेंगे। इसी में डाल देंगे पूरी। ये हमारी बड़ी पक चुकी है। ये देखिए बड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम इसे इस तरीके से किनारे में लगा करके निकाल देंगे एक प्लेट में, ताकि पूरा इसका जो तेल है वो निकल जाए। इसी तेल में डाल देंगे आलू। देखिए आलू भी पक गई है, लाल हो गई है, इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। गैस पे कढ़ाई रखी है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। डाल देंगे तेल, जीरा डाल देंगे, लहसुन और अदरक डाल देंगे, प्याज डाल देंगे। प्याज पक चुकी है, इतना ही पकाना है। अब इसी में डाल देंगे टमाटर, नमक डाल देंगे। खोल करके चेक करेंगे, ये हमारे प्याज टमाटर पक चुके हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। गैस पे पैन रख दिया है और गैस ऑन कर देंगे और डाल देंगे तेल। तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। हीट आने लगी है, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा इसमें इस तरीके से मिला लेंगे। और डाल देंगे ये धनिया पाउडर, इसे भी थोड़ा सा मिला लें। अब जो हमने ये प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक पीसी थी उसको डाल देंगे इसी में। फिर इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से और फिर इस तरीके से चला चला करके थोड़ी देर पका लेंगे। अब यहीं पर डाल देंगे गरम मसाला और अमचूर पाउडर, सबको इस तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब डाल देंगे ये बड़ी जो हमने तल करके रखी थी और थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिला देंगे। इसी में डाल देंगे आलू, सबको अच्छे से मसाले में कूट कर देंगे। इस समय मसाला अच्छे से हमारा कूट हो गया है। अब डाल देंगे नमक, पहले भी नमक हमने डाला था इसलिए नमक आप ध्यान से डालिए। इसे भी इस तरीके से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे और पानी डाल देंगे इसमें। पानी थोड़ा ज्यादा ही डालता है क्योंकि बड़ी जो है तो पानी सोखती है, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा ही डालना है। अब एक गिलास पानी और ऐड करूंगी इसमें। ढक करके रख देंगे और गैस की फ्लेम को भी तेज ही रखा है। एक उबाल आ जाएगी, इसके बाद हम गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे। खोल करके चेक करेंगे। देखिए थोड़ा सा हम आलू को मैश कर देंगे इस तरीके से। करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। खोल करके चेक कर लेंगे। देखिए हमारी सब्जी पक करके पूरी तैयार हो गई है। अब हम थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे इस तरीके से चला देंगे। इसमें कलर नहीं आया है हमारी सब्जी में, लाल कलर नहीं हुई है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची का यूज नहीं किया था। नॉर्मल वाली मिर्ची थी, तीखी वाली, इसलिए इस तरीके से कलर नहीं आया है। अगर आपको कलर चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची का यूज कर सकते हैं, पर इसमें स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है। गैस को बंद कर देंगे। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए।
ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।